नहीं, शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। लहू में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ना तपके तो फिर लहू क्या। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा कि ईडी उनके घर पे रेड मारने के लिए तैयारी कर रही है। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा ईडी के एक इनसाइडर ऑफिसर ने उनको इसकी खबर दी। राहुल गांधी जी ने ट्वीट में मोदी जी और अमित शाह जी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी जी ने कहा टू इन वन को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ईडी की रेड कर रही है मेरे घर पे। राहुल गांधी जी ने ईडी ऑफिसर से कहा कि आपका वेलकम है मेरे घर पे और मैं चाय बिस्कुट भी खिला के भेजूंगा। यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है, विपक्ष के जितने भी नेता है सारे नेताओं पे ईडी के छापे पड़ते हैं। आप देखोगे अरविंद केजरीवाल जी, नेक्स्ट है मनीष सिसोदिया, ना जाने कितने नाम है जो कि जेल में है और जिन पे अभी तक आरोप सिद्ध ही नहीं हुए लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा हुआ है। एक बात हमको नोट करने जैसी है, जैसे ही ये जो सांसद है जिसपे ईडी की रेड पड़ती है जो कि विपक्ष के, वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में क्लीन होके बाहर निकलते हैं और उनपे जितने भी केसेस है वो सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं या तो वो केसेस की फाइल्स में रख दी जाती है। बहुत बार ये आरोप भी लगाया गया है अपोजिशन के द्वारा कि ईडी और सीबीआई मोदी जी चलाते और अमित शाह जी चलाते। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा। उसके बाद हम बात करेंगे वायनाड की। वायनाड में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी गए। राहुल गांधी जी ने वादा किया वो वायनाड में 100 घर बना के देंगे उन लोगों को जिनको लैंडस्लाइड की वजह से प्रॉब्लम हुई और जिनके घर टूट गए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि लोग वहां पे जाना नहीं चाहते जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, इसलिए वो चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको सेफली वहां से हटा दे और कोई दूसरी जगह शिफ्ट करे। राहुल गांधी जी ने कहा मैंने मेरे पिताजी को खोया, मैंने मेरे दादी को खोया तो वो दुख मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों ने तो पूरी की पूरी फैमिली खो दी है तो इनका दुख तो मेरे से भी बड़ा है। राहुल गांधी जी वायनाड में बहुत सारे लोगों से गले मिले। प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत सारी महिलाओं के साथ बातें की और उनके गले मिले। वो हॉस्पिटल्स में गए, बहुत सारी जगहों पे गए जहाँ पे जिनको इंजरी हुई वहाँ पे रखा हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा मैं इस इंसिडेंट पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि देश के सभी लोग वायनाड में मदद करें ताकि जो वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से जिनको नुकसान हुआ है उनका भरपाया हो पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वायनाड के लोगों को आज हमारी जरूरत है और हमें उनका साथ देना ही चाहिए। बहुत सारे मलयालम एक्टर्स ने डोनेशन दिया है। इससे ये साबित होता है कि कलयुग में भी जहाँ पे सारी दुनिया में इंसानियत खत्म हो रही है, भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे आज भी इंसानियत कायम है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।